हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप भी फाउंडेशन जून 24 से स्विच ओवर करना चाह रहे हो सितंबर 2024 में, तो ये प्रोसेस क्या है, कैसे आप इसको कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आपको सीए के रिगार्डिंग सारी सारी अपडेट हमारा चैनल बैक टू बैक देगा। ये स्विच ओवर करना जो है दो कारण, दो टाइप से स्टूडेंट हैं। पहले वो जो एग्ज़ाम दे चुके हैं फाउंडेशन का पेपर नंबर वन, और उनको ये लग रहा है कि पेपर ख़राब हुआ है, इसलिए मैं तो सितंबर में एग्ज़ाम दूंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप जिस गलती को अभी फेस कर रहे हो, जिस डर से आप अभी फेस कर रहे हो, वो डर आपको सितंबर में भी परेशान करेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, आप पूरी मेहनत से जो जून वाला एग्ज़ाम दो, नहीं होते हो तो सितंबर में अपन देखेंगे क्या करना है, ठीक है। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दे पाए, कोई भी कारण हो सकता है, जैसे मान लीजिए फैमिली इशू हो रहा है तो वो नहीं दे पाए, तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप दोनों टाइप में से कोई से भी टाइप के स्टूडेंट हो, तो आपको करना क्या है, पहले आपको सितंबर में वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओनली एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एग्ज़ाम फॉर्म आपका 28 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 28 जुलाई से आपके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो कैसे आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है डिटेल वीडियो में आपके लिए ला दूंगा, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, 28 तारीख से पहले ही आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा। तो वो स्टूडेंट जो एक पेपर दे के ये लग रहे हैं कि पेपर ख़राब हो चुका है तो बाकी के नहीं दूँ, तो आप मेरे कहने से आप सारे पेपर दो, हो सकता है आप बाकी हो जाओ। पास हो जाओगे तो आपको फाउंडेशन या फिर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंटरमीडिएट में अपना एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। थैंक यू। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।